एक तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिले जिसने तो पहला एक नौजवान टक्कर मारी तो उस तो बाद जो ये मौके तो फरार होने लगा तो उस समय कई वाहनों इस कार दे वल्लों टक्कर मार दी गई। हालांकि कुछ दूरी के उत्ते ही किया जा रहा है कि पुलिस ने नाकेबंदी भी कर रखी सी अते पुलिस ने यह सारा कुछ हुंदियां देख तुरंत मौके दे उत्ते कमान संभाली अते इस कार चालक नूं घेराबंदी करके मौके दे उत्तों ही काबू कर लिया गया। तां दस दईए कि मामला अमृतसर तो सामने आया जिथे कि पहला एक तेज रफ्तार कार दे वल्लों पहला तो एक नौजवान नूं टक्कर मारी गई। हालांकि कहा जा रहा है कि टक्कर इन्ने जबरदस्त तरीके दे नाल मारी गई कि वह नौजवान मौके दे उत्ते ही जख्मी हो गया अते उसनूं गंभीर हालत दे विच हस्पताल दाखिल करवाया गया। तो जदों इस सब तो बाद पुलिस मौके दे उत्ते पहुंची तो पुलिस नूं देख के कहा जा रहा है कि इस दे वल्लों गड्डी भजाउण की कोशिश की अते गड्डी भजाउण की कोशिश दे विच कई होर वाहनों नूं भी इस कार ने टक्कर मार दी। तो उस तो बाद कार चालक नूं गिरफ्तार कर लिया गया मौके दे उत्ते घेराबंदी करके। पुलिस का कहना है कि कुछ ही दूरी दे उत्ते पुलिस ने नाकेबंदी भी कर रखी सी ते पुलिस ने सारा कुछ यह अपने अखी भी देखा कि किस तरीके दे नाल उस नौजवान नूं बुरे तरीके नाल टक्कर मारी गई। तो मामला अमृतसर तो सामने आया। हालांकि पुलिस अधिकारियों के वलों यह भी खुलासा किया गया कि जो कार चालक है उसके खिलाफ कई अपराधिक मामले दर्ज ने जिस दे विच एक बैंक डकैती का परचा भी उसके खिलाफ दर्ज किया होया जिसनों लैके लगातार हुण पुलिस अगे भी जांच कर रही है। ये ना साडे पुलिस पार्टी ने असीं जुगल किशोर तो पी सी आर वाले नाका लाया सी घर दे चौंक च ते नाके तो करीब 9:30 दे दरम्यान बाजार बंद करके लोग जिहड़े दुकाना बंद करके घरां नूं जाण दी तैयारी सी ते एक गड्डी I-20 ब्लैक कलर पिछों लैके आया बहुत तेज़ रफ्तार ना पहला पुलिस पार्टी ने इन्हें रोकया इन्हें रोकी नहीं उस तो अगों इन्हें फिर फुटपाथ ते लागे उन्होंने बिल्कुल हिट की जिहदे नाल 3 एक्टिवा ते इक लड़का गंभीर फटड़ होया जी उन्होंने दरड़ा होया उतों गड्डी ने बैक भजाने की कोशिश की फिर 2-3 बारी इन्हें ट्राई करके पर जिन्हों लागे बिल्कुल 10 गज दूरी के नाका से नाके की नज़र च मैं भी उत्थे मौजूद सी नाके की नज़र के ही सारा कुछ होया फिर इन्हें उत्थे घेराबंदी करके काबू कर लिया गया। वो बच्चे ये मार दे बिल्कुल मार देने की नीयत नाल इन्हें उहदा उत्ते हिट की तो एफ आई आर दर्ज कर ली अरैसट पई है तो अज कोर्ट पेश करके रिमांड लवेंगे भी रहने वाला है अर्शप्रीत जियो वाला पिंड तरन तारण से वो यदा वेरीफाई किया जाएगा भी जंडियाले दे विच की करना है किवें आया। दूसरा ये जो पिछोकड़ पता कराया यदि क्रिमिनल हिस्ट्री है ये एक बैंक डकैती का तरन तारण परचा तो एक ड्रग का भी तो हैरोइन का परचा तो हम डीकी ने जान छानबीन करा भी ये होर कितने कितने लिंक ने की है। बाकी हम रिमांड दौरान कोशिश करा।